सफ़ूफ़ एज़ाज़ सुल्तानी जदीद किस तरीके से तैयार किया जाता है, समझे। सफ़ूफ़ एज़ाज़ सुल्तानी जदीद ये बहुत ही पावरफुल सफ़ूफ़ हमने तैयार किया है। आज इसके वीडियो के अंदर पूरा तरीका और सारी जड़ी बूटियों के नाम और किस किस चीज़ से हमने इसको तैयार किया है और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपके सामने रखने के लिए जा रहे हैं। तो देखिएगा, मुगल्लिज और मुगल्लिद मनी, समझे, मुकव्वी बाह, मुमसिक, सुरात इंजाल, मादे तोलीद के नकाइस, जरासीम की कमी, मनी का पतलापन, समझे, मनी के पतलेपन को दूर करने वाला और तिब्बी इमसाकी पैदा करने वाला एक बेहतरीन और ख़ास नुस्खा है। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसके अंदर कौन कौन सी जड़ी बूटी शामिल की हैं, वो ये है कि सबसे पहले हमने जनसंख सुर्ख सफ़ेद ये लेना होगा 240 ग्राम, बहीदाना 120 ग्राम और बेख कनीर सफ़ेद 120 ग्राम, भूसीदान 120 ग्राम, तुखमे उटंगन 120 ग्राम, सालब पंजा, सालब मिश्री, मस्तगी रूमी, रेगमाही, अकरकरा ये 120 ग्राम लेना है और मगज़ फुंदक ये 240 ग्राम और गुलहर ये आपको लेना है 120 ग्राम और बंसलोचन नोकरा ये आपको लेना है 120 ग्राम, कुश्ता कलई, कुश्ता फौलाद, कुश्ता मरजान सफ़ेद और कुश्ता जामुंगा, कुश्ता अकीक, कुश्ता मुसलस, कुश्ता अबरक और कुश्ता संग तिला यासूब ये आपको लेना है 10-10 ग्राम, कुश्ता सिंगर दो आतिशा 5 ग्राम, कुश्ता समुलफार 3 ग्राम, कुश्ता पारा 3 ग्राम। अब ये हो गया आपका पूरा नुस्खा। अब इसके जो बनाने का तरीका है वो ये है कि इन तमाम अज़ा को कूट पीस करके इसका सफ़ूफ बनाकर किसी कुश्ता जात में शामिल कर लें, समझे, इन कुश्ता जात में शामिल करके आप रख लें। लेकिन इसके जो फ़वाइद हैं, ये जिस्मानी तवानाई बहाल करने के साथ साथ जिस्म में खून की पैदाइश को बढ़ाने के लिए इंतहाई कार आमद मुरक्कब है और मर्दाना कमज़ोरी को दूर करता है। जल्क इगलामबाजी के नकाइस को दूर करके मादे तोलीद की पैदाइश को बढ़ाता है। ये मुकव्वी असरात रखने वाला मजमुआ है, आम जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करता है, जिस्म से जवानी और ज़ाइल शुदा कुव्वत बाह की असर नो तामीर करके इंसान की जिन्सी सलाहियत को बहाल करता है। कसरत मुबाशरत और जल्क इगलामबाजी से जिस्म में पैदा शुदा नकाइस को दूर करके बदन की खोखलाहट को पुर करके कुव्वत में बदल देता है और उमंगों का तूफान भी उठा देता है, दिमागी कमज़ोरी दूर करता है, मुफर्रे कल्ब तबीयत को ताजगी, सुकून और ख़ुद एतमादी पर कादिर करता है। अब अगर किसी को नाइट फेल बहुत ज़्यादा होता हो, एहतलाम बहुत ज़्यादा होता हो, जरियान का मरज़ लग चुका हो, सुरात इंजाल का मरज़ लग चुका हो, कुव्वत मुदाफ़ात और आम जिस्मानी कमज़ोरी लग चुकी हो और कुव्वत बाह ज़ईफ़ हो चुकी हो, आसाबी कमज़ोरी बन चुकी हो, शुगर का मरज़ लग चुका हो, तो इन सब के लिए ये नुस्खा बड़ा ही कामयाब है और मर्दाना ताकत के लिए बड़ा ही पावरफुल है, समझ रहे। सुरात इंजाल, मादे तोली, जरासीम की कमी, मनी का पतलापन को दूर करके मादे मनविया को गाढ़ा करता है, समझ रहे हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा और बहुत ही मुअस्सिर नुस्खा है। अगर आप इसको हासिल करना चाहते हैं तो देखिए, मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि अगर आपके आसपास में कोई अच्छे और काबिल और माहिर हकीम मिले तो ये नुस्खा आप उनसे ज़रूर बनवाइएगा और हमारे इस नुस्खे से जो है आप फ़ायदा उठाइएगा। अगर कोई आपको हकीम साहब ना मिले आपके आसपास में तो इस सफ़ूफ़ एज़ाज़ सुल्तानी जदीद को अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो फिर मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दे दिया है, इस पर कॉल करके इस सफ़ूफ़ को बना बनाया आप हमारे पास से भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, अल्लाह पाक आपको इस नुस्खे से शिफा अता फरमाए।